वही उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाव यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। कांग्रेस की यात्रा को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि वह अब केदारनाथ धाम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस यह यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवाधिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए, आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए।